आज की न्यूज में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं आज की न्यूज। आज दिनांक 20 नवंबर 2018 को किनवट तहसील जिला नांदेड़ में हजरत टीपू सुल्तान के जन्मदिन के अवसर पर एक विशेष मू शायरा के प्रोग्राम का आयोजन द टीपू सुल्तान ब्रिगेड की ओर से किया गया था। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के जाने माने शायर छोटा इमरान और सुफियान प्रतापगढ़ी जैसे ही किनवट तहसील पहुंचे तो आज की न्यूज चैनल के संवाददाता से उनकी हुई बातचीत। आज किनवट में हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की जयंती के बारे में एक मुशायरा का प्रोग्राम का इनेकाब किया गया है। उस मुशायरे में यहाँ के दो लोग जो बहुत ज्यादा मशहूर है मुशायरे के, एक इमरान प्रतापगढ़ी, दूसरे हमारे सुफियान प्रतापगढ़ी, वो दोनों बहुत कम उम्र में अपना नाम रोशन किए हैं। तो उनसे बात करते हैं कि इनकी तरक्की और इनके मशहूर होने का क्या राज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपने जैसा कि पूछा मेरी मशहूर की राज क्या है, तो एक्चुअली मैं पहले गांव के एक मैं मदरसे में पढ़ता था, तो वहाँ के कुछ लोग मुझसे नाच सुना करते थे कि सुफियान भाई कुछ सुना दीजिए, तो मैं सुनाया करता था। एक दिन एक मुशायरा था जिसमें मुझे इनवाइट किया गया, तो कुछ लोगों ने फरमाइश की थी, तो मैंने कुछ शेर पढ़े, फिर वहीं से मैं अपने शेर सफर का आगाज किया। आपका पहला मुशायरा कहाँ पर हुआ? हमारा पहला मुशायरा तो हमारे प्रतापगढ़ के जिले में हुआ था, देलहूपुर में। अच्छा, उसके दो मिसे के दो लाइन बताइए ना। बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, बहुत रूठी हुई सी जिंदगी महसूस होती है, कि अब तो रोशनी भी तीरगी महसूस होती है, कि अब तो रोशनी भी तीरगी महसूस होती है। मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, मोहब्बत में कोई माँ के मुकाबिल हो नहीं सकता, भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है, भरा है घर मगर माँ की कमी महसूस होती है। अच्छा, ये जो मुशायरा करते हैं इतनी पब्लिक के सामने, तो आपको कुछ घबराहट या डर का सामना होता है कि नहीं? कैसा डर, मेरे साथ मेरे करोड़ों लोगों की दुआएं, करोड़ों माओं की दुआएं और मेरे दोस्तों की दुआएं हैं, तो कैसा डर। आप अभी कितने साल के? मेरी उम्र 12 साल है। आप कहाँ तक पढ़ रहे हो अभी? मैं क्लास 5th में हूँ इस वक्त। तो अभी जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का जो मुशायरा है अभी,
तो उसके दो चार लाइन बताइए ना। मुल्क की शान आने वाले हैं, मुल्क की शान आने वाले हैं, बन के तूफान आने वाले हैं, मुल्क की शान आने वाले हैं, बन के तूफान आने वाले हैं, काले अंग्रेजों से लड़ेंगे हम, काले अंग्रेजों से लड़ेंगे हम, टीपू सुल्तान आने वाले हैं, टीपू सुल्तान आने वाले हैं, टीपू सुल्तान आने वाले हैं। बहुत अच्छे। ये जो मुशायरा है, आपको मुशायरे का शौक कहाँ से और कब हुआ? जब मैंने आपको बताया पहले कि, जी पहले भी बताया कि मैं अक्सर अपने गांव में भी पढ़ा करता था, तो कुछ लोग सुना करते थे। उसके बाद मस्जिद में मेरे दादा मुझसे पढ़वाया करते थे, तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते मैं आज आप सबकी दुआओं की बदौलत ही मैं इस बुलंदी तक पहुंचा हूं। आप अपने ऑडियंस को आखिर में क्या कहना चाहते हैं? मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ कि आप सब तालीम हासिल करें, क्योंकि तालीम के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये थे मशहूर मुशायरे के सुफियान प्रतापगढ़ी। इनसे बात करके हमें भी खुशी हुई, और हमारी भी दुआ है कि ये जिंदगी में खुशियां खुशियां, इनकी जिंदगी में खुशियां खुशियां लाए अल्लाह ताला। उनकी हम बात से नहीं डरते, वक्त शताब्द से नहीं डरते, वक्त शताब्द से नहीं डरते। अरे 313 है, बहुत है हम, अरे हम तो तादाद से नहीं डरते, हम तो तादाद से नहीं डरते। शुक्रिया, बहुत दुआएं और बहुत मोहब्बतें। देखिए, मैं शुरू से आपको शेर गजल सुना रहा हूं। शुरू में सबसे पहले माइक पर मैं ही आया था, बड़ा काशिफ साहब नहीं आए थे, तो शुरू में हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया मैं आप सबका अदा करता हूं। अब आइए उस शख्सियत को मैं आवाज देने जा रहा हूं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने, इतना मगरूर न बन मुझको समय कहते हैं, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने, बादशाहों को भी दरबान किया है मैंने। बहुत सी बातें जो हमारे छोटे दोस्तों ने, छोटे छोटे बच्चों ने बात की है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब हो तो रहा है। मैं आलमी स्टेज से ये बात अभी करके आया हूँ, ये हो तो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है? जब मैंने इस पे गौर खोज किया तो मेरे अल्लाह ने, मेरे महबूब ने, मेरे मालिक ने मुझे एक नज्म का तोहफा दिया, और वही नज्म का तोहफा मैं आपको बताऊं।